प्यार बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। ठीक है जी, इस समस्या का हल हो सकता है क्या? नहीं ना, एक माँ किसी को भी तकलीफ नहीं देती और अपने खून को तो बिल्कुल भी नहीं। अपने बेटे के साथ बिताऊंगी, पर अगर वो ही नहीं चाहता तो पहले मरूं या बाद में मरूं, क्या फर्क पड़ता है? अगर बेटा फर्क पड़ता है, श्रद्धा ठीक ही तो कह रही है, और अगर आपको यहाँ कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था, और इसलिए मैंने एक फैसला लिया, मैं कल आपको आश्रम में छोड़ के आऊंगा। तमाशा नहीं कर रही है क्या? पता यहाँ रुकने के लिए नाटक कर रही होंगी कुछ भी। नहीं, भरोसा रखिए, परवाह करते हैं, मुझे पता था आप देखने के लिए वापस आएंगे। जब बोलते हैं ये मेरी माँ कभी हो ही नहीं सकती, इस चुप को तुम्हें मानना तो मानो, मैं नहीं मान सकता इसे। अभी निकल जाते हैं यहाँ से। अभय का फूटा दिव्यानी पर गुस्सा, दिव्यानी की हालत हुई खराब, श्रद्धा बनी दिव्यानी का सहारा। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं सीरियल किस्मत की लकीरों से की, जहाँ की कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, और इसी बीच में ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से दिव्यानी की जान बचाते हुए अभय और श्रद्धा नजर आते हैं। जैसे दिव्यानी को ये आशा हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब अभय दिव्यानी को अपना लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अभय का गुस्सा दिव्यानी पर फूटते हुए नजर आता है और अभय दिव्यानी को माँ मानने से एक बार फिर से साफ इनकार कर देता है, जहाँ पे दिव्यानी बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाती है। दिव्यानी की हालत खराब हो जाती है और अभय दिव्यानी को छोड़कर जा रहा है, ये जानने के बाद कहीं ना कहीं दिव्यानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पे दिव्यानी को चिंता मुक्त रहने की बात डॉक्टर्स बताकर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। दिव्यानी अभय के जाने के दुख में बौखलाते हुए नजर आती है। वहीं पे कहीं ना कहीं श्रद्धा दिव्यानी को सहारा देते हुए दिखलाई पड़ रही है। वेल, तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।